क्रिस वुड ने जोमैटो में अपना निवेश दोगुना किया है, साथ ही बिटकॉइन में भी निवेश किया है। आइए जानते हैं कि जेफ्रीज के क्रिस्टोफर वुड की क्या है जोमैटो के शेयरों पर राय। क्रिस्टोफर वुड ने जोमैटो में अपना निवेश बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। इंडिया लॉन्ग पोर्टफोलियो में उन्होंने इसका वेटेज और 1% बढ़ाया है। क्रिस्टोफर वुड विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज के ग्लोबल हेड है। दुनिया के मशहूर फंड मैनेजर ने इस बदलाव के बारे में अपने वीकली न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फियर के नए एडिशन में बताया है। मई में उन्होंने अपने 2 लॉन्ग पोर्टफोलियो में जोमैटो को शामिल किया था। दोनों में उन्होंने इसे 4-4% वेटेज दिया था। उन्होंने कहा है कि ONGC में निवेश 1% घटाने से इंडिया लॉन्ग पोर्टफोलियो में जोमैटो में निवेश 1% बढ़ जाएगा। अब उनके पोर्टफोलियो में जोमैटो का वेटेज 5% हो गया है। क्रिस्टोफर वुड ने अपने पोर्टफोलियो में एक दूसरा बदलाव भी किया है। उन्होंने अपने एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो से JD.com को बाहर कर दिया है। इसकी जगह उन्होंने बायजू को शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बिटकॉइन के नियमों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है, इससे बिटकॉइन स्पॉट ETF का रास्ता खुलता दिख रहा है। ब्लैक रॉक ने एक स्पॉट बिटकॉइन ETF शुरू करने के लिए अमेरिकी रेगुलेटर SEC की इजाजत मांगी है। इस ऐलान के बाद से बिटकॉइन 5% चढ़ा है। क्रिस्टोफर वुड ने अपने वीकली न्यूज़लेटर में लिखा कि ब्लैक रॉक ने इस भरोसे के बाद ही बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए अप्लाई किया होगा कि उसे इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इसलिए भी ये बात सही लगती है क्योंकि ARK, VanEck और Invesco ने भी इसी तरह के एप्लीकेशंस दाखिल किए हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले ऐसे 30 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए थे और SEC ने सभी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि स्थिति अलग होगी। बिटकॉइन पर क्रिस्टोफर वुड के बुलिश होने की एक वजह ये भी है कि नेक्स्ट हालविंग अब सिर्फ 10 महीने दूर है। ये अप्रैल 2024 में होगी। हालविंग हर 4 साल पर होता है। इसमें बिटकॉइन माइनर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि अब हर बार हालविंग से पहले बिटकॉइन में निवेश से प्रॉफिट हुआ है। 28 नवंबर 2012 को पहली हालविंग के बाद के 12 महीनों में बिटकॉइन करीब 90 गुना चढ़ा था। दूसरी हालविंग 9 जुलाई 2016 को हुई थी, तब 18 महीनों में ये 30 गुना चढ़ा था। जेफ्रीज के फंड मैनेजर ने ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो में अमेरिकी कोटेड ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में 3% निवेश किया है। इसमें बिटकॉइन प्राइस के मुकाबले 30% डिस्काउंट पर कारोबार हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।